रिस्क जस्ट टाई फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। एविडेंस एक्ट का लेक्चर सीरीज अन अकेडमी के बाद अब यूट्यूब चैनल पर भी हमने शुरू किया। ये एपिसोड 4 है एविडेंस एक्ट का। हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में एविडेंस एक्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, ऑब्जेक्ट को, ईच एंड एवरीथिंग जो जरूरी है बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे बातों को मैंने आपको डिटेल में समझाया। उसके बाद सेक्शन 1, 2, 3 देन 4, और 4 को तो मैंने अच्छे से डिटेल में बातों को समझाया है जस्ट इससे प्रीवियस वाले वीडियो में, और उसी क्रम में मैं आगे बढ़ा। और आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 6 को डिटेल में। 5 तो कॉमन है। 5 क्या कहता है? एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। एविडेंस जो दिया जाता है तो सिर्फ फैक्ट इन इशू का दिया जाता है और रेलेवेंट फैक्ट का दिया जाता है। तो फैक्ट इन इशू क्या होता है और रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, ये तो मैंने आपको जब इंटरप्रिटेशन क्लॉज पढ़ा रहा था तो उसी वक्त समझाया था डिटेल में। तो 5 तो बहुत कॉमन है, बहुत उसको ज़्यादा दिमाग लगाने का भी चीज़ नहीं है वो, लेकिन 6 को आपको डिटेल में समझना पड़ेगा तभी जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीडियो को पूरा देखना, ये गारंटी है कि आपका सेक्शन 6 का कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किए हो तो अनअकैडमी पे फटाफट फॉलो कर लो, क्योंकि अनअकैडमी पे मेरा 3 स्पेशल क्लासेस होता है। स्पेशल क्लास का मतलब है फ्री क्लासेस 3, वो भी कोर सब्जेक्ट पे विथ मॉक टेस्ट। जी हाँ, विथ मॉक टेस्ट। CRPC, कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CPC, ये सारे सब्जेक्ट को हम लोग कवर करते हैं स्पेशल क्लासेस में, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी होता है। तो ये सब आपसे छूट ना जाइए अपॉर्चुनिटी। अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड कर लो नहीं किए हो तो। मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल का लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के सबसे ऊपर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उस पर क्लिक करना, कोड अप्लाई करना लॉ इज लाइफ, आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा। लॉ इज लाइफ विदाउट एनी स्पेस कोड अप्लाई करना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के सेशन को। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक PCSJ विथ अनअकैडमी। अनअकैडमी पे अगर आपको फ्री एक्सेस चाहिए तो आपको कोड यूज करना पड़ेगा लॉ इज लाइफ, ताकि आप हमारे स्पेशल क्लासेस को फ्रीली एक्सेस कर सको। स्पेशल क्लासेस जो हर दिन होती है हमारी, जिसमें कोर सब्जेक्ट को हम लोग कवर करते हैं, जैसे कि IPC, CPC, जुरिस्प्रूडेंस, CRPC, एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू लॉ, लोकल लॉज, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अनअकैडमी पे फ्रीली आप एक्सेस कर सकते हो स्पेशल क्लासेस में हमारे, अगर आप कोड यूज करोगे लॉ इज लाइफ। स्पेशल फीचर्स अनअकैडमी का, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, पोल्स के थ्रू लर्नर रिस्पॉन्ड करते हैं, इवन की लर्नर्स कैन रेज हैंड अगर उनको कोई डाउट है, और जो प्लस सब्सक्राइबर होते हैं वो तो वॉइस चैट भी कर सकते हैं एडुकेटर से इन लाइव सेशन, और अपने डाउट को रियल टाइम में रिजॉल्व भी कर सकते हैं। बेल आइकन को अगर आप हिट करते हो अकेडमी का फॉलो करने के बाद मुझे, तो आपको मेरे क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और इससे आप एक भी क्लास मिस नहीं कर पाओगे। और साथ ही साथ आप हमारे लेक्चर को PDF के फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हो, जो भी नोट्स हम आपको बताते हैं उसको आप आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन PDF के फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हो। अनअकैडमी पे आपको बैचेस अवेलेबल है, जिसमें आपको देखो एक बैच जो 1 सितंबर से शुरू हुआ है, एब्सोल्यूट लॉ बैच, जुडिशरी फाउंडेशन बैच, रैपिड रिवीजन बैचेस, ये सारे के सारे बैचेस अनअकैडमी पे अवेलेबल है। अनअकैडमी पे मॉक टेस्ट होता है हम लोगों के द्वारा, कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट होता है कोर सब्जेक्ट पे, और इसका जो टाइमिंग है आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 9 से 9:30 बजे होता है हर दिन। और साथ ही साथ हम लोगों का जो अनअकैडमी पे जो मॉक टेस्ट होता है T50 मॉक टेस्ट, वो 11:30 बजे से होता है, आप उसको भी फ्रीली एक्सेस कर सकते हो अगर आप कोड यूज करते हो लॉ इज लाइफ, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आप लोगों को मॉक टेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनअकैडमी का जो प्राइस है वो बहुत जल्द हाइक होने वाला है, और अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन का जो प्राइसिंग प्लान है वो आपकी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, 3 मंथ का है, 6 मंथ का है, 12 मंथ का, 18 मंथ का, 24 मंथ का है। अगर फॉर एग्जांपल बात करें 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन का, तो आपको 34,000 पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोड यूज करते हो लॉ इज लाइफ तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है, इवन कि आप EMI के थ्रू भी पे कर सकते हो। अनअकैडमी को आप यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो। ये एक्सपर्ट बैच है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनअकैडमी पे जो प्लस सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग प्लान है वो बहुत जल्द हाइक होने वाला है, हाइक 23 सितंबर से हो जाएगा। और सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 6 के कॉन्सेप्ट का। सेक्शन 6 का जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, वो रिलेवेंट होता है, चाहे वो एक ही समय में हुआ हो सब फैक्ट, या वो अलग अलग समय में हुआ हो, एक ही जगह में हुआ हो सारे फैक्ट, या अलग अलग जगहों पर हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस बात से पड़ता है, एडमिसिबिलिटी के लिए, 2 या 2 से अधिक फैक्ट अगर है तो वो एडमिसिबल हो एज पर सेक्शन 6। जरूरी क्या है कि सेम ट्रांजेक्शन में एक क्रम में होना जरूरी है। जैसे ये 2 फैक्ट है, फॉर एग्जांपल ये 2 फैक्ट अलग अलग टाइम पे हुआ हो, अलग अलग जगहों पे हुआ हो, या एक जगह एक टाइम पे हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस बात से पड़ता है कि दोनों फैक्ट एक ही क्रम में हुआ होना चाहिए। जैसे देखो एक केस का उदाहरण देते हैं, रैटन वर्सेस क्वीन, बहुत इंपॉर्टेंट केस है सेक्शन 6 का। इसमें क्या होता है, एक लेडी है, एक औरत जिसका
कॉल जाता है कॉल ऑपरेटर को, जब वो कॉल ऑपरेटर से बात कर रही होती है बहुत घबराई हुई होती है और कॉल ऑपरेटर को बोलती है कि प्लीज मेरे कॉल को पुलिस के साथ कनेक्ट कीजिए क्योंकि मेरे जान को खतरा है। कॉल ऑपरेटर उसके कॉल को पुलिस से कनेक्ट करता, उसके पहले ही कॉल उस औरत का डिसकनेक्ट हो जाता है। लेकिन कॉल ऑपरेटर, जैसे कॉल डिसकनेक्ट हुआ, कॉल ऑपरेटर इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है और उसके जानकारी को प्राप्त करने के बाद पुलिस उस औरत, उस लेडी के घर पहुंचती है। और जब घर पहुंचती है तो देखती है कि वो लेडी मर चुकी है, नाउ सी इज नो मोर। उसके हस्बैंड पे केस चलता है, उसके खुद की वाइफ दैट इज वो औरत के मर्डर का। हस्बैंड का डिफेंस है कि उसने अपनी वाइफ को इंटेंशनली नहीं मारा है, गोली एक्सीडेंटली चली है। देखो अब उसका हस्बैंड झूठ बोल रहा है, ये कैसे साबित होता है? तो यहां पे पहला फैक्ट, औरत का कॉल करना और घबराए हुए होना, ये पहला फैक्ट है। और उसके बाद उसी क्रम में देखो क्या हो रहा है, दूसरा फैक्ट कि कॉल ऑपरेटर को बताया जाना औरत के द्वारा कि उसकी जान को खतरा है। उसके बाद तीसरा फैक्ट कॉल ऑपरेटर उसी क्रम में पुलिस को बताता है कि ऐसा कॉल आया था एक लेडी की तरफ से। उसके बाद चौथा फैक्ट, पुलिस कॉल ऑपरेटर के बात पे उस लेडी के घर पहुंचती है और जैसे घर पहुंचती है तो देखती है कि लेडी मरी हुई है। ये जितना फैक्ट है अलग अलग समय पे हुआ है, अलग अलग जगहों पे हुआ है, लेकिन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस अंडर सेक्शन 6, दैट इट मस्ट बी अकर्ड इन सेम ट्रांजेक्शन, एक ही क्रम में होना जरूरी है। और देखो आप ये जितने भी फैक्ट है सब एक क्रम में हुए हैं, इसलिए यहाँ पे ये रिलेवेंट होगा। कॉल ऑपरेटर का कहना, कॉल ऑपरेटर के द्वारा जो स्टेटमेंट आया, उसके बाद जब पुलिस घटना पे पहुंची तो देखी कि लेडी, देखती है कि जो लेडी है वो मर चुकी है। इससे साफ प्रूव्ड होता है कि उसका हस्बैंड झूठ बोल रहा है, गोली एक्सीडेंटली नहीं चली थी, इंटेंशनली चली थी। तो यहाँ पे एडमिसिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कॉल ऑपरेटर का स्टेटमेंट, और ये सारे घटनाएं रिलेवेंट हो जाएंगे और एडमिसिबल भी। तो ये था रैटन वर्सेस क्वीन का केस। अब देखो सवाल उठता है कि क्या कुछ बोला गया है वही रिलेवेंट होगा, कुछ किया गया हो या कुछ किया जाना था नहीं किया गया तो क्या वो रिलेवेंट नहीं होगा एज अ रेस जस्ट आई? क्या वो सेम ट्रांजेक्शन में अगर हुआ तो नहीं रिलेवेंट होगा? बिल्कुल रिलेवेंट होगा। एक एग्जाम्पल, कुछ किए जाने का, कोई जरूरी नहीं है कि वट एवर सेड इज रिलेवेंट इफ इट फॉर्म सेम ट्रांजेक्शन, कुछ किया भी गया हो तो वो भी रिलेवेंट होता है अगर सेम ट्रांजेक्शन में है तो। जैसे दो लोग हैं मान लो ए बी और एक और लोग है सी। अब क्वेश्चन कोर्ट के समक्ष ये उठा है कि क्या ए ने सी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो ए ने अपने लिए पर्सनल कैपेसिटी में किया या उसने बी के बिहाफ पे सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है एज एन एजेंट? अब देखो बी का कहना है कि ए ने मेरे एजेंट के तौर पे सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है मेरे लिए, और बी इस बात को साबित क्या कर रहा है कैसे कि उस जिस पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने नोटिस जारी किया था और नोटिस में कहा था कि कोई व्यक्ति अगर है जो इस सब्जेक्ट मैटर पे सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है मेरे एजेंट के तौर पे तो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ पे उसका नोटिस, जो नोटिस इशू किया जाना उसके बाद ए का सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाना, ये सारे के सारे फैक्ट सेम ट्रांजेक्शन में हो रहे हैं। और यहाँ पे देखो नोटिस जारी किया गया, कुछ बोला नहीं किया है, कुछ किया गया है तो कुछ भी किया गया हो, बोला गया हो, जो नहीं भी, जो किया जाना था वो नहीं किया गया हो, सेम ट्रांजेक्शन में अगर हो रहा है तो वो एडमिसिबल है एज एन एविडेंस अंडर सेक्शन 6। यही था कॉन्सेप्ट केस, मिलने वर्सेस लिजनर का केस था ये। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा नंबर पॉइंट, प्रॉक्सिमिटी विथ टाइम। टाइम का कोई महत्व है सेक्शन 6 के अंतर्गत, फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन दैट इज। तो सबसे पहला केस जिसमें
समय के महत्व को बताया गया, दर्शाया गया और बोला गया कि जो फैक्ट सेम ट्रांजैक्शन में फॉर्म्ड हो रहा है वो प्रॉक्सिमेट होना चाहिए विथ रिलेटिंग टू टाइम। वो केस कौन सा था? सबसे पहला वो था थॉम्सन वर्सेस ट्रिवेनियन का केस था वो, करेक्ट। लेकिन उसके बाद देखो एक अजीब प्रकार का जजमेंट आ गया आर वर्सेस बेडिंगफील्ड के केस में प्रिवी काउंसिल के द्वारा। हुआ क्या देखो बताते हैं आपको इस केस में। इस केस में बोला गया प्रिवी काउंसिल के द्वारा, पहले आपको केस समझाते हैं फैक्ट क्या था। एक औरत जिसका गला कटा हुआ है वो रूम से अपने गला के कटने के बाद बाहर आके चिल्लाती है, नाम बोलती है असिस्टेंट का। फॉर एग्जाम्पल वो बोलती है कि ए नहीं मेरा हैरी नाम है उसका, लेकिन यहाँ ए मान के चलो। देखिए ओ आंट, देखिए हैरी ने मेरे साथ क्या किया, दैट इज ए ने मेरे साथ क्या किया, हैरी को ए मान लेना, वो लेडी बोल रही है। अब यहाँ देखो प्रिवी काउंसिल क्या बोल रहा है कि जब लेडी का गला काटा जा रहा था तो उस वक्त लेडी क्यों नहीं आवाज दिलाई, उस समय क्यों नहीं लेडी चिल्लाई। तो हो सकता है कि लेडी झूठ बोल रही हो, और यहां पे टाइम को देखो कैसे, टाइम के महत्व को कैसे मानना जा रहा है। यहां पे प्रिवी काउंसिल बोल रही है कि कोई भी एविडेंस रिलेवेंट हो इसके लिए जरूरी है कि जब तक घटना घट रहा है तब तक अगर कोई फैक्ट हो रहा होगा तो ही, अगर वो सेम ट्रांजैक्शन में तो ही वो रिलेवेंट है। मतलब कि घटना घटने के बाद, घटना जब घट गया उसके बाद अगर कोई फैक्ट होता है वो सेम ट्रांजैक्शन में क्यों ना हो वो रिलेवेंट। माफ कीजिए जस्ट अ मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। प्रिवी काउंसिल क्या बोली यहां पे, उटपटांग सा डिसीजन दे दी प्रीवी काउंसिल। क्या बोली कि टाइम के साथ रिलेवेंसी के भी रिस्पेक्ट में बात बोल रही है कि जब तक घटना घट रहा होगा उस दरमियान अगर जितने भी फैक्ट होंगे सेम ट्रांजैक्शन में हो रहे हैं तो ही वो रिलेवेंट होगा। अर्थात कि घटना जब घट चुका होगा, घटित हो गया है घटना, उसके बाद अगर कुछ हुआ है तो अगर वो सेम ट्रांजैक्शन में हुआ हो तो वो रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि उसका टाइम के साथ कोई प्रॉक्सिमेट रिलेशन नहीं बन रहा है। मतलब कि लेडी अगर उस रूम के अंदर से चिल्लाती कि हैरी देखो मेरा गला काट रहा है, तो वहां पे वो उसका चिल्लाना और उसके बाद उसका गला का कटना वो सेम ट्रांजैक्शन में माना जाता है। लेकिन जब गला कट चुका उसके बाद वो बाहर आके चिल्ला रही है तो कहीं ना कहीं वो औरत जिसका गला कटा है वो झूठ बोल रही है, वो सेम ट्रांजैक्शन में कोर्ट नहीं मान रही है। क्यों? क्योंकि घटना घटने के बाद वो फैक्ट हो रहा है चिल्लाना, गला कटने के बाद वो चिल्ला रही है। तो ये था निर्णय प्रिवी काउंसिल का आर वर्सेस बेडिंगफील्ड के केस में टाइम को लेके कैसे देखो रिलेवेंस बताया गया। उसके बाद इसी बात को फॉलो भी कर लिया आर वर्सेस क्रिस्टी के केस में। लेकिन जहां तक आप देखोगे रैटन वर्सेस क्वीन को, ये दोनों जजमेंट बाद में, दोनों जजमेंट प्रिवी काउंसिल ने बाद में इसको गलत ठहराया और बोला कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द रिलेवेंसी ऑफ एविडेंस अंडर सेक्शन 6, कि उसका सेम ट्रांजैक्शन में होना जरूरी है। और सेक्शन 6 अगर आप देखोगे इंडिया का तो वहां यह भी कह दिया टाइम को लेके कि कोई जरूरी नहीं है कि दोनों फैक्ट एक ही समय पे हो, अलग अलग समय पे भी होगा सेम ट्रांजैक्शन में है तो रिलेवेंट है। तो बाद में जाके ये जो दोनों केस है फर्स्ट सेकेंड, इन दोनों केसेस के जजमेंट को ठीक किया गया और रिटन वर्सेस क्वीन में अपने बातों से प्रिवी काउंसिल मुकरी और बोली नहीं 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 ऐसा नहीं है। सेम ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं है कि इवेंट जब तक हो रहा है तभी तक वो फैक्ट होगा तो वो सेम ट्रांजैक्शन में हुआ है तो रिलेवेंट होगा। अगर इवेंट घटित हो गया भी है उसके बाद भी अगर कोई फैक्ट हुआ है तो भी वो रिलेवेंट माना जाएगा अगर वो सेम ट्रांजैक्शन में है। तो ये था पूरा मूल बात, आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। उसके बाद देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन। अगर मान लो टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन है सेम ट्रांजैक्शन में हो रहा है तो क्या वो रिलेवेंट होगा? जरूरी क्या है सेम ट्रांजैक्शन में हो, टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन ही है तो क्या हो गया? तो वो रिलेवेंट हो जाता है अंडर सेक्शन 6 एज रेस जस्टाई फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। केस क्या था इसका? आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ
महाराष्ट्र। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात देखो, रेस जस्ट टाई और हियर से। हियर से का मतलब क्या होता है? सुनी सुनाई बात। जब कोई व्यक्ति घटना घटते हुए नहीं देखा है, घटना के बारे में अपने से नहीं सुना है, अपने से महसूस नहीं किया है, वो किसी दूसरे पर्सन से घटना के बारे में सुनता है और उसके बाद उस फैक्ट पे कुछ भी एविडेंस देता है, तो उसका एविडेंस माना जाता है हियर से एविडेंस। इज इट क्लियर? और एक बात बता दें हियर से को लेके, हियर से एडमिसिबल नहीं है एज अ जनरल रूल। क्या बोले हम? एज अ जनरल रूल हियर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता है। कुछ अपवाद है, उसमें से एक अपवाद है रेस जस्ट टाई। अगर व्यक्ति घटना को घटते हुए नहीं भी देखा है, अगर वो जिस फैक्ट का एविडेंस दे रहा है, अगर वो सेम ट्रांजैक्शन में है, तो वो फिर रिलेवेंट हो जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो हियर से है। इज इट क्लियर? एक एग्जांपल देख लो आर वर्सेस फोस्टर का। आर वर्सेस फोस्टर का इस केस में क्या होता है? इस केस में एक आदमी है ए, एक आदमी है ए, इसको एक वाइट कलर की कार ठोक के चली जाती है। वाइट कलर की कार इसको ठोक के चली जाती है और ये दर्द में चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। ठीक इधर से बी 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 इस साइड आ रहा है, ए की तरफ बी आ रहा है, और जब ए का आवाज सुनता है बी, तो ए की तरफ दौड़ता है। जब दौड़ता है तो उस क्रम में देखता है कि एक वाइट कलर की गाड़ी, एक वाइट कलर की गाड़ी उसके बगल से बहुत स्पीड में गुजरती है, बहुत स्पीड में गुजरती है। और जब बी उस क्रम में आगे बढ़ के ए तक पहुंचता है, तो ए से पूछता है बी कि तुम्हारा ये दशा किसने किया? तो ए बोलता है कि देखो ना, एक वाइट कलर की कार हमको ठोक के चली गई, और जब हम उसको रोकने बोल रहे हैं तो वो रुक नहीं रही और रफ्तार में भाग रही है। ये बात ए ने बी को बताया। सवाल नंबर एक कि क्या बी ने ए को एक्सीडेंट होते हुए देखा था, घटना घटते हुए देखा था? बी नहीं देखा था। बी सिर्फ जानकारी प्राप्त किया उस एक्सीडेंट का ए से। तो यहां ए का जो एविडेंस, अगर माफ कीजिए, जो बी का एविडेंस अगर देता है, वो क्या माना जाएगा? हियर से। क्योंकि उस वो जो भी एविडेंस देगा वो ए के द्वारा सुनी गई बातों पे ही देगा। दैट्स व्हाई उसका एविडेंस बी का हियर से है। लेकिन अब यहां देखो, हियर से होने के बावजूद भी वो रिलेवेंट हो जाता है, एडमिसिबल है एज एन एविडेंस। क्यों? देखो, बी के उसी वक्त ठीक बगल से तेजी से एक वाइट कार का गुजरना और उसके बाद एक आदमी का चिल्लाना, और जब वहां पहुंचता है जो आदमी चिल्ला रहा है ए, उससे जब वो पूछता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो बोल रहा है कि एक वाइट कलर की कार मुझे एक्सीडेंट करके आगे भागी है। ये सारा का सारा फैक्ट एक ही ट्रांजेक्शन में हुआ है, सेम ट्रांजेक्शन में हुआ है, है हियर से, लेकिन सेम ट्रांजेक्शन में होने के कारण ये एविडेंस बी जो देगा वो एडमिसिबल हो जाएगा। और ये केस कौन सा था? आर वर्सेस फोस्टर का था। तो समझ में आया कि हियर से का कैसे अपवाद है रेस जस्ट टाई। तो ये हो गया सेक्शन 5 और 6। 5 जैसा कि बताए बहुत कॉमन है कि आप एविडेंस दोगे तो किस चीज का देते हो? फैक्ट इन इशू का और रिलेवेंट फैक्ट का। फैक्ट इन इशू क्या होता है और रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है, ये तो मैं आपको डिटेल में बता ही दिया हूं जब हम लोग इंटरप्रिटेशन क्लॉज पढ़ रहे थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बात समझ में आई होगी। पसंद आया है, डिटेल में बात हमने बताया, तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।